हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए कुछ आज हम डिजीज के बारे में जानते हैं, यानी कि रोग के बारे में जानते हैं। तो क्या है ना, जैसे हम लोग जब तक जीवित रहते हैं, ठीक है, तब तक कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आती रहती है, ऐसे रोग आती रहती है जिसका उपचार संभव भी है और किसी किसी डिजीज का उपचार संभव नहीं है। मतलब एक बार हो जाने के कारण आप उसे जिंदगी भर जूझ सकते हैं, मतलब जूझे हुए रह सकते हैं, ऐसा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी डिजीज हैं जिसके बारे में आप जान करके, ठीक है, अपना उपचार खुद भी कर सकते हैं या किसी दवा के माध्यम से निजात भी पा सकते हैं, मतलब छुटकारा भी पा सकते हैं। तो आइए समझते हैं। हमने लिया है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग। यानी कि आप बहुत सारे देखते होंगे बच्चे को या जो भी हैं पर्सन, उनको देखते होंगे जैसे काफ़ी वीक होते हैं, कोई ज़्यादा दुबला होता है, कोई ज़्यादा पतला होता है। तो किस किस के कारण होता है आज उस पर हम डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से खनिज लवण या कौन कौन से विटामिन से होने वाले क्या क्या रोग हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपका है विटामिन, या इसको हम खनिज लवण भी बोल सकते हैं, ये है इस पार्ट में, ठीक है। जैसे विटामिन या खनिज लवण जो है, हेलो, विटामिन और खनिज लवण जो है, ये विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, और ये कैल्शियम है, आयोडीन है, लौह है, ठीक है। लौह कहने का मतलब लोहा होता है, आयोडीन कहने का मतलब जो नमक हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो आयोडीन युक्त ही होती है। कैल्शियम तत्व होता है, इसको हम विटामिन की संज्ञा भी दे सकते हैं। विटामिन डी होता है, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से है। अब इसमें है अभावजन्य रोग या विकार। अभावजन्य रोग, या इसे हम विकार भी बोल सकते हैं या डिजीज भी बोल सकते हैं, यह है रतौंधी है, बेरी बेरी है, स्कर्वी है, रिकेटस है, अस्थि और दंत क्षय, ठीक है। रतौंधी तो आप जानते ही हैं, जो दिखता उगता नहीं है आँख से, बेरी बेरी, ठीक है, ये मांसपेशी से रिलेटेड रोग है। स्कर्वी ये मसूर से रिलेटेड होगा। रिकेटस ये हड्डी से रिलेटेड होगा। अस्थि और दंत क्षय, ठीक है, अस्थि कहने का मतलब बोन से, ठीक है। घेंघा ये रोग का नाम है, ठीक है। अल्परक्ता ये भी रोग का नाम है, ये रक्त से संबंधित होगा और ये ग्रंथि से संबंधित होगा, ठीक है। और इस तरफ क्या है, लक्षण है, तो लक्षण में ये सारा आता है। लक्षण में क्या आता है, सारा आता है। जैसे अब हम पूरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो कहता है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से क्या क्या हो सकता है उसे देख सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी जैसे रोग हो सकता है। रतौंधी एक तरह का क्या होता है, रोग होता है, विकार होता है, अभावजन्य रोग होता है, ठीक है। तो क्या होता है, विटामिन ए की जब भी हमारे शरीर में डेफिशिएंसी होती है, मतलब विटामिन ए की अगर हमारे बॉडी में, अगर किसी के बॉडी में अगर कमी होती है विटामिन ए की, तो सबसे पहला रोग कौन सा ग्रसित होगा, तो उसको रतौंधी होगा। उसे क्या होगा, रतौंधी। रतौंधी क्या है, तो क्या इसमें लक्षण देखने को आपको मिलेंगे, जिस व्यक्ति को रतौंधी होगा उसे क्या होता है, कमजोर दृष्टि, यानी कि दृष्टि उसका कमजोर हो जाएगा, मतलब देखने खुने में वो सक्षम ज़्यादा नहीं हो पाएगा। क्या होगा, अंधेरे में या रात में कम दिखाई पड़ना, जैसे रात में अगर वो निकलते हैं तो उससे कम दिखाई पड़ सकता है, ठीक है। फिर कहता है कभी कभी पूरी तरह से दिखाई ना देना, मतलब हम जान लिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जिसमें क्या होता है, रात में दिखाई दे भी सकता है, कम दिखाई देगा, ठीक है, और कभी कभी पूरी तरह से नहीं भी दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे हम अच्छे तरीके से समझ लिए, समझ में आया होगा। चलिए अब कहता है विटामिन बी क्या है, तो देखिए विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन बी से बेरी बेरी, तो इसमें क्या होता है, कहता है दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। जैसे दुर्बल पेशियां कहने का मतलब एकदम दुबला पतला आपका पेशियां, मतलब मांसपेशी हो जाएगा, हाथ हाथ पर कमजोर दिखाई देने लगेंगे, दुबला पतला दिखाई देने लगेंगे। और जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपको काम करने के क्रम में क्या होगा, ऊर्जा बहुत कम मिलेगा, यानी कि एनर्जी जो है आपको बहुत कम मिलेगा, किसमें, विटामिन बी की कमी होने के कारण। इसी को बेरी बेरी रोग कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होगा, जिसमें क्या होगा, दुर्बल पेशियाँ, कमजोर पेशियाँ होगा, और कोई भी काम जब हम करने जाएंगे तो ऊर्जा में हमें कमी महसूस होगा। आइए अब जानते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कहता है मसूरों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। देखते हुएगा जैसे हम दंतमंजन या दातुन वगैरह करते हैं तो मसूर से खून आने लगता है, किसे,
मसूर से खून आने लगता है। और क्या होता है, अगर कोई घाव अगर पैर हाथ कट जाता है तो उसे भरने में, उसे ठीक होने में बहुत अधिक समय लगता है। तो किस किस के कारण, यानी कि विटामिन सी की कमी के कारण, किसी कमी कारण, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, इसलिए उस व्यक्ति को घाव भरने में अधिक समय लगता है और मसूर से खून निकलना स्टार्ट होता है। अब जानते हैं विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस रोग। कौन सा रोग होगा, रिकेटस रोग होता है, जिसमें क्या होता है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, जैसे अस्थि, जैसे बॉन्स जो होगा मुलायम होकर कैसे ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। जैसे अभी सीधा है तो जब भी अगर रिकेटस होगा तो क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो विटामिन किसके, डी की कमी से रिकेटस, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होगा और इसमें अस्थियों का मुड़ जाना होता है, मतलब अस्थि प्रॉपर में मुड़ जाती है। अब कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से कारण अस्थि और दंत क्षय होता है। अस्थि कहने का मतलब क्या, अस्थि मिलके आपका शरीर बना होता है, जैसे जितने भी बॉन्स होते हैं वो क्या होगा, क्षय होना, दंत क्षय यानी कि दांत आपका पूरा गिरना स्टार्ट हो जाएगा, टूटना फूटना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कमजोर अस्थि और दंत क्षय, वही बात है, जैसे कमजोर अस्थि होगा तो क्या होगा जैसे वीकनेस आएगी, ठीक है, और अस्थि मुड़ना उड़ना भी स्टार्ट होगा इसमें, और दंत क्षय होना मतलब दांत उत जल्दी गिर जाएगा, दांत उत जल्दी झड़ जाएगा आपका। कहता है आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होगा। क्या नाम है, घेंगा, जैसे देखते होगा कभी कभी किसी किसी का ये इतना ज़्यादा फूल जाता है तो उसी को घेंगा रोग हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घेंगा रोग, या तो इधर से निकल सकता है, कभी कभी किसी का पेट भी निकल जाता है, कभी कभी वो यहाँ से भी निकलता है, कभी कभी पीछे से भी ऐसे निकल जाता है, तो सब घेंगा रोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, गले की ग्रंथि का फूल जाना, लेकिन ज़्यादातर वो यहाँ दिखाई देता है, गला की ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है, वो इतना फूल जाएगा, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। अब कहता है बच्चों में मानसिक विकलांगता, बच्चे का जो मानसिक जो कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी है, वो क्या होता है, विकलांग हो जाना, मतलब कम काम करना, अधिक काम नहीं कर पाना मानसिक रूप से। अब कहता है लौह, लौह क्या है, आयरन जिसको बोलते हैं, लौह की कमी से अल्प रक्ता, मतलब खून की कमी होती है, कमजोरी और रक्त की कमी, कमजोरी यानी कि जैसे कोई भी काम आप करेंगे तो ऊर्जा कम मिलेगा आपको और कमजोरी जैसे फील होगा, तो किसे कमी से होती है, लौह की कमी से, ठीक है। और रक्त भी आपके शरीर में न के बराबर होगा, यानी कि पूरा व्हाइट व्हाइट आप देखेंगे, जैसे आपका बॉडी रेड रेड जैसा होना चाहिए, रक्त के कारण आपका बॉडी रेड रेड दिखाई देता है, और इसमें क्या होगा, रक्त की कमी होगी तो आपका शरीर पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ विटामिन थे, हेलो, ठीक है, और इससे संबंधित रोग सब थे, इसको हमने देख लिया, एक बार फिर से मैं रिकवर करवाता हूँ, ध्यान समझिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, कैल्शियम से अस्थि और दंत क्षय होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, लौह की कमी से अल्प रक्ता होता है। क्या होता है, अल्प रक्ता। एक बार और देखते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन डी हो गया रिकेटस, कैल्शियम की कमी से अस्थि और दंत क्षय होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, लौह की कमी से अल्प रक्तता होता है। क्या होता है, अल्प रक्तता। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।